आज के वीडियो में साथियों बात होगी दांतों को सुंदर और सुरक्षित कैसे रखें, दांतों में लगने वाले रोगों से कैसे बचें, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज का विषय है कि आपके दांत सुंदर स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रहें। जैसे व्यक्ति की आयु लगभग 100 वर्ष 70 से लेकर 100 वर्ष तक एवरेज एज मानी जाती है, उसी प्रकार से दांत भी भगवान ने इतने मजबूत और स्वस्थ बनाए हैं कि वो आपको 100 साल तक साथ दे सकें। लेकिन कुछ हमारे अज्ञानिक कारण, कुछ हमारी आदतों, गलत आदतों के कारण से हमारे दांत जल्दी खराब हो जाया करते हैं। तो वो क्यों होते हैं, उनका क्या उपाय है कि आपके दांत लंबे समय तक सुरक्षित और आपका साथ देते रहें। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि साथियों जब हम कोई भोजन करते हैं और हमारे दांतों के बीच में या दांतों पर कुछ अन्न कण शेष रह जाते हैं जिसके कारण से वो बेदग्ध होकर यानी कि सड़कर संक्रमण या बैक्टीरिया उत्पन्न कर देते हैं। स्टेफलोकोकस ब्रिडिश करके जो बैक्टीरिया है वो पनप जाता है और उससे उधर पश या पीप बनने लगता है, जिस कारण से हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन और हल्के गंदे मटमैले कलर के हो जाया करते हैं। बाकी जो स्वस्थ मसूड़े होते हैं वो आपने देखे होंगे जैसे मांस का रंग होता है सुर्ख लाल वैसे होते हैं, लेकिन यदि संक्रमित हो जाते हैं जब मसूड़े तो वो हल्के से गंदे दिखने लगते हैं और उनसे दुर्गंध भी आने लगती है। इसके कारण से मुख बैराश्य हो जाता है, मुख से दुर्गंध आने लगती है और जो मसूड़े थोड़े से ऊपर खिंच के यानी कि एक पेरिडेंटल पॉकेट बना देते हैं। मसूड़ों की जो दांतों का जो जोड़ होता है वो उधर खुल सा जाता है और थोड़े से मसूड़े मोटे दिखने लगते हैं। तो ये तो पहला कारण है। दूसरा है कि दांतों पर जब यही अन्न कण या खांड या शर्करा या गुड़ आप खाते हैं और उसके बाद लैक्टिक अम्ल बन जाता है, वह लैक्टिक अम्ल आपके जो दांतों पर एनिमल होता है या कैल्शियम उसको धीरे धीरे गलाकर या नष्ट करके गड्ढे बना देता है और ये बार बार जब उधर अन्न कण रुकता है तो धीरे धीरे वो गड्ढे और बड़े होने लगते हैं, जिस कारण से आपके दांतों में कृमि दंत कहलाते हैं, दांतों में कृमि लग गई बोलते हैं, काले काले दिखने लगते हैं तो वो कृमि दंत है। इन दोनों समस्याओं से बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि जब भी कुछ खाया जाए तो उसमें लगभग 8 से लेकर 16 बार तक कुल्ले कर लेना चाहिए। आयुर्वेद हमेशा किसी भी बीमारी में पड़ने से पहले उसको बचाने की कोशिश करता है। तो मैं कहूँगा साथियों कि कुछ भी आप खाएं तो जैसे आप नाश्ता करते हैं तो लगभग 8 से 16 कुल्ले कर लें, या भोजन करते हैं तो उसके बाद भी लगभग 32 कुल्ले का हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथों में है उसमें वर्णन है कि पानी से अच्छे कुल्ला करना चाहिए ताकि जो अन्न कण है वो निकल जाए। अच्छा, इसके साथ ही सुबह और रात्रि में ब्रश बहुत अनिवार्य है, या जो भी मंजन आप करते हैं वो आप कर लें तो इससे आपके जो दांतों में और मसूड़ों में संक्रमण है वो नहीं होने पाएगा। वरना होता ये है कि मुंह से दुर्गंध आने लगती है, वो मसूड़े आपके सूज जाते हैं और वहीं से जो संक्रमण बढ़ते बढ़ते दंत की जड़ास्थि होती है, जो जड़ के पास संक्रमण हो जाता है जिससे उधर भी घाव बनने लगते हैं और उधर सड़ान पैदा हो जाती है, तो पायरिया जैसी जटिल बीमारी भी हो जाती है जो आपके दांतों को बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देते हैं। यानी लगभग जो पायरिया वाले पेशेंट होते हैं उनके तो 2 फुट दूर से स्मेल आने लगती है। तो इससे बचने
के लिए मैं कहूँगा जो भी आप खाते हैं, चाहे मीठा खाएं या फल फूल खाएं, जो भी खाएं, उसके बाद कुल्ला अवश्य कर लें। साथियों, दांतों पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके दांत स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, यह जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि इसके 4-6 लक्षण होते हैं, उस पर आप विचार करें। जैसे यदि छोटी भी स्वल्प आघात या थोड़ी सी चोट लग जाए, या आप कोई कड़ी चीज़ गन्ना खाते हैं और खून आने लगे, तो आप ये समझें कि आपके दांतों में संक्रमण हो चुका है। इससे बचने के प्रयास शुरू कर दें आप। दूसरा होता है मुख से दुर्गंध आती है, मुख का स्वाद गड़बड़ होता है और गले में सोथ हो जाता है। इससे आगे यदि संक्रमण बढ़ता जाता है तो आमाशय में भी सोथ होता है और आमवातिक सूल उत्पन्न हो जाता है और रूमेटिक अर्थराइटिस भी इससे होने के चांस होते हैं। अर्थराइटिस जैसी समस्या भी यह पैदा कर देता है। त्वक रोग यानी कि त्वचा पर खुजली होने लगती है, एक्जिमा दांतों में भी हो सकता है, आपके शरीर में अन्य स्थानों पर भी इस कारण से हो सकता है। स्टेफलोकोका इब्रिडिस जो बैक्टीरिया होता है, यह लैक्टिक अम्ल भी बनाता है जिससे संक्रमण आपके दांतों में हो जाता है। इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बार बार कुल्ले करते रहें और खांड तथा शर्करा और मैदे से बने जो भोज्य पदार्थ हैं उनका सेवन कम करें। और हाइड्रोजन परऑक्साइड, मान लीजिए एक समस्या हो ही गई है कि आपके दांत जो रोगग्रस्त हो गए हैं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड गर्म जल में मिला के कुल्ले कर लें, या टिंचर आयोडीन से भी कुल्ले कर सकते हैं आप। और विटामिन डी की पूर्ति के लिए 1 गिलास दूध और दिन में भोजन के बाद संतरे का सेवन, ताकि आपको विटामिन सी की पूर्ति हो सके। और इसके साथ ही आयुर्वेद में जो वर्णन है वो है एक बहुत ही अच्छा दंत मंजन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम नमक, 50 ग्राम खाने का सोडा और 50 ग्राम फिटकरी, इन चारों चीज़ों को लेके, फिटकरी के लिए साथियों सिर्फ उसको कहना चाहिए शुद्ध करना होता है, तो आग में फिटकरी को प्लेट में रख के उबाल देना चाहिए, केवल उसमें कुछ मिलाना नहीं है, केवल गर्म करते हैं जब तो उबलने लगता है, खद 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 करके उबल जाता है, तो वो फूला कहलाता है, फिटकरी का फूला। तो ये चारों चीज़ लेके इनको बारीक पीस के कपड़छन कर लें और सरसों के तेल से सुबह और शाम उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के और दांतों और मशूड़ों में मालिश करें इससे, तो इससे किसी भी किस्म के बैक्टीरिया पनप गए होंगे या पायरिया जैसी भयानक समस्या भी होगी तब भी आपके दांत स्वस्थ हो जाएंगे। और बहुत आवश्यक है सुबह और शाम ब्रश भी आप करें, जो भी आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें एक बात हो सकती है, रात्रि में ब्रश कर लें, इसमें बहुत से अच्छे जो भी कंपनी के पेस्ट हैं वो आप रात में ब्रश कर लें और सुबह अच्छे हल्के हाथों से ये मसाज कर लें। ये जो मंजन मैंने बताया है इसमें थोड़ा सरसों का तेल मिला के आप मसाज कर लें। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ और हैं, जैसे आरोग्यवर्धिनी भट्टी भी, यदि आपके दांतों में संक्रमण हो गया है तो आरोग्यवर्धिनी भट्टी का इसमें बहुत ही अच्छा उपयोग है। मजिष्ठादि क्वाथ आता है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। लाक्षादि तेल भी लगाना चाहिए और सहचर तेल, इनमें से कोई भी एक दवा आप ले लें, उसका प्रयोग करें, इससे आपके दांत स्वस्थ हो जाएंगे। और त्रिफला क्वाथ का भी इसमें काफ़ी अच्छा प्रयोग है, त्रिफला क्वाथ से कुल्ले करें आप। यदि आप चाहते हैं कि आपके दांत आपकी ताउम्र सुंदर स्वच्छ और स्वस्थ, दांत आपके सौंदर्य में भी 4 चांद लगाते हैं, मान लीजिए आप कहीं खिलखिलाकर जब हंसते हैं तो आपके स्वच्छ और स्वस्थ साफ दांत आपकी शोभा बढ़ा देते हैं, जबकि लाल गंदे और कहना चाहिए कि गड्ढे युक्त या काले दांत आपको बहुत ही समाज में नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो आप दांतों की देखरेख बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यान दे के करें, ताकि आपके दांत, आपके भोजन पचाने में भी ये दांतों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जिनके दांत नहीं होते उनसे पूछिए आप कितना कष्ट होता है, तो उनका देखरेख आप करें ताकि आपके दांत स्वस्थ और स्वच्छ रहें और आपकी उम्र भर साथ निभाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप दंत रोगों से बचे रहेंगे, आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।